में सुई लगाया जाएगा तो उससे डर है या कुछ भी ऐसा होता है, एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, बच्चों को उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। दांत में दर्द है, चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो उसको चलने दें, उसको दिखाएं, सही ट्रीटमेंट लें। पेट संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा तो दिक्कतें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। बच्चे अगर आते हैं तो उनकी यहाँ फीस नहीं ली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवाब अहमद जीपीएल न्यूज में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं जंगलिया मोड़ पे, जहाँ एक क्लिनिक है, संजीवनी डेंटल क्लिनिक। यहाँ दो डॉक्टर बैठते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं। यहाँ की खूबी ये है कि अगर कोई बच्चा आज के डेट में बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो दांत की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में के दांत में काफ़ी दर्द होती है, मिठाई चॉकलेट खाने से, मीठा खाने से गार्जियन काफ़ी मना करते हैं, फिर भी बच्चे खाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, दांत की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ इन दोनों डॉक्टरों का क्या करना है कि अगर स्कूल से जो बच्चा आईडी कार्ड लेके आता है, जो स्कूल से आईडी कार्ड बना होता है, तो इस क्लिनिक में अगर लेके आते हैं तो उनका जो फीस लगता है वो फीस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर देखते हैं। और इसी चीज़ को हम पूरी जानकारी लेने के लिए आए हूँ और डॉक्टर से बात करेंगे, मिलेंगे, पूरी बात आपको बताएंगे, बने रहें हमारे साथ। तो हम पहुँचे हैं क्लिनिक में और हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर हर्षिता सिंह। हम जानेंगे इनसे ये लोग जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं और स्कूल में कैंप लगा रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में विचार आया कि इस तरीके का इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोशल वर्क स्टार्ट किया, हम जानेंगे इनसे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे जीपीएल न्यूज़ में। धन्यवाद। हम काफ़ी जगह देखा गया है, सोशल मीडिया पर भी देखा गया है, आप हस्बैंड वाइफ जो हैं कई जगह कई स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो स्कूल में हम कैंप इसलिए लगाते हैं कि हम एक जागरूकता फैलाएं बच्चों के बीच कि दांत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक, क्योंकि आजकल के लोग दांत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। जहाँ जहाँ हमने कैंप लगाया 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनके दांतों में दिक्कत था, लेकिन हमने उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं दिखाया, क्यों चेकअप नहीं करवाया, तो लोगों का कहा था इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर दिक्कत नहीं होता है, कई बच्चे ये बोलते हैं कि हमें पेन था लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो गया, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। देखा गया है ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं डॉक्टर के पास आने से कि उनको सुई लगाया जाएगा, जो दांत निकाला जाता है, जाए दांत का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो दर्द के चलते भी बहुत सारे लोग जो डरते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, डरने वाली इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है कि सुई लगाया जाएगा। लोगों के मन में ये होता है कि दांत में सुई लगाया जाएगा तो उससे डर है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई जो भी ट्रीटमेंट होता है एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, बच्चों को उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जो उनके लिए सही होता है वही ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो उनकी बॉडी ऑब्जर्व कर सके, जो सही करेक्ट ट्रीटमेंट हो वही सब किया जाता है। पहले के ज़माने में देखा गया है कि पहले तो ना डॉक्टर थे ना कुछ था, फिर भी लोग दांत की उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आती थी, अब इस तरीके से क्यों? पहले लोग काफ़ी मतलब नेचुरल चीज़ ही यूज़ करते थे, लेकिन अपने दांत को लेके, अपने हर चीज़ को लेके बहुत पर्टिकुलर थे, दो टाइम ब्रश करना, सब कुछ करना, काफ़ी कुछ ध्यान दिया करते थे। लेकिन आज का जो शेड्यूल हो गया है, जो इन्वायरमेंट हो गया है, जो खान पान हो गया है, जंक फूड्स खाते हैं बच्चे, ब्रश नहीं करते हैं, इसी वजह से काफ़ी दांतों में दिक्कत आती है। तो यही मेरा सलाह है कि हर बच्चों को बताया जाए कि सुबह तो ब्रश करते ही करते हैं, रात में भी खाने के बाद ब्रश जरूर करें। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, अगर उनके दांत में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें या डेंटिस्ट के पास आके दिखाएं, उसको सॉल्व करवाएं। ये नहीं होता है कि दांत में दर्द है, चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो उसको चलने दें, उसको दिखाएं, सही ट्रीटमेंट लें। हम बच्चों का उस समय दांत का ट्रीटमेंट सही से नहीं करवाएंगे, सही से ठीक नहीं करेंगे, तो आगे जाके फर्दर कई दिक्कतें हो जाती हैं, पेट संबंधी दिक्कतें हो जाती हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा तो दिक्कतें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। इस पर थोड़ा गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए। तो सुना आपने डॉक्टर साहब का क्या सुझाव था, अगर आप लोगों को भी, आपके भी बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं
आप सिर्फ वो स्कूल का आईडी कार्ड बच्चों को लेके आ सकते हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों देखते हैं। बच्चे अगर आते हैं तो उनकी यहाँ फीस नहीं ली जाती है। और यहाँ पे जो है जो मशीन है काफ़ी आधुनिक मशीन है, बच्चों का यहाँ काफ़ी अच्छा इलाज होता है। पेशेंट तो यहाँ बहुत सारे आते हैं मगर ये जो ऑफ़र जो दिया गया है सिर्फ छोटे बच्चों को दिया गया है। तो आप भी एक चांस आएँ यहाँ पे, अपने बच्चों का अगर दांत में प्रॉब्लम है तो इलाज करवाएं। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहें हमारे साथ फिर अगले वीडियो के लिए। नमस्कार।